हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल 005 क्लिक ज्ञान पर। दोस्तों आपको पता ही होगा, हम आपके लिए हमेशा एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए टाटा एस गोल्ड CNG प्लस का किलोमीटर ना चलने से रिलेटेड वीडियो। गाइज बने रहिए वीडियो में कंप्लीट जानकारी के लिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। गाइज करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों हमारे ड्राइवर भाई की इस गाड़ी को लेकर किलोमीटर ना चलने की शिकायत थी और मीटर में दो प्रकार के इंडिकेशन भी आ रहे थे। दोस्तों एक थी चेक लाइट और दूसरी MIL लाइट, जो दिखने में चेक लाइट के समान होती है। दोस्तों इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने ड्राइवर भाई की शिकायत किलोमीटर न चलने पर ध्यान दिया और दोस्तों हमने सीधा किलोमीटर सेंसर पर फोकस किया। किलोमीटर सेंसर का कपलर ढीला या निकला तो नहीं है और उस पर सप्लाई आ रही है या नहीं। गाइज हमने देखा कि किलोमीटर का सेंसर पूरी तरह से निकला हुआ था। दोस्तों हमने उस कपलर को वापस से सही तरीके से लगा दिया और गाड़ी को कुछ दूर चलाया और चेक किया कि गाड़ी का किलोमीटर पूरी तरह से काम कर रहा है कि नहीं, और हमने पाया गाड़ी का किलोमीटर पूरी तरह से काम रहा था। दोस्तों कहीं पर भी आपकी गाड़ी में इस तरह की समस्या आ जाए तो पहले तो घबराएं नहीं और धैर्य से काम लें, और जिस तरह से हमने बताया उस तरह से करके देखें। हमें पूरा यकीन है आपकी गाड़ी 99% ओके हो जाएगी। दोस्तों आपके दिमाग में एक बात वीडियो को देखकर चल रही होगी कि हमने लैपटॉप को गाड़ी से क्यों कनेक्ट किया, इसकी क्या जरूरत थी। दोस्तों ये गाड़ी वर्कशॉप में आ चुकी थी, इसीलिए हमने लैपटॉप लगाकर इसको और बेहतर तरीके से 100% ओके करने की कोशिश की। दोस्तों आप कहीं भी किसी रास्ते में भी इस तरह की समस्या से परेशान हो तो हमारे इस किलोमीटर सेंसर वाले तरीके से काम करके देखें, आप 100% गाड़ी को ओके कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।